बहुत बड़ा बीच में एक तालाब बनवाया गया था जहाँ पे किस समय पानी भरा रहता था। यहाँ पे देखो एक होल भी आप लोगों को दिखाई देगा, और सामने की तरफ आप लोग जो इमारत देख रहे हैं वो भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। वो शायद उनका एक पर्सनल महल, एक पर्सनल रूम उनका वहां पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में एक बार फिर से एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जो अभी तक आप लोगों की नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर था। दोस्तों आज मैं आप लोगों को आम खास बाग की एक ऐसी सराय का जिक्र देने वाला हूं जो पंजाब के अंदर पड़ती है और जिसका सीधा संबंध मुगल कालीन शासकों के साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, यदि आप हमारे इस पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, वेदांश 339 मेरी आईडी है, ताकि हर प्रकार की बात हम वहाँ पर साझा कर सकें। इस तरफ से हम लोग इसकी शुरुआत कर लेते हैं। कॉर्नर पे हम लोगों को एक बहुत सुंदर यहाँ पर गुमटी दिखाई दे रही है। तकरीबन ये देखने पर आप लोगों को 14 फीट की ऊँची दीवार दिखाई दे रही है, और यहाँ पर इसका एक ये एंट्री गेट बना हुआ है जो कि काफ़ी विशाल है, और बड़े से बड़ा हाथी भी इसके अंदर से आराम से गुजर सकता है, जा सकता है। और दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि ये जो आम खास बाग सराय थी ये क्यों बनवाई गई थी। इसका बनवाने का एक पर्पस उद्देश्य था, जिस समय अकबर सत्ता में आए थे, शासन में आए थे, तो उनका एक सपना था कि लाहौर और दिल्ली के बीच में एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर वो कुछ समय के लिए ठहर सकें, रह सकें, तो उन्हीं स्थानों को सराय का नाम दिया जाता है। और यदि हम बात करते हैं इसके अंदर आने के बाद में इसके पूरे एरिया का, इसके ग्राउंड का, तो यहाँ से हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को जिधर भी हमारी नज़र जाएगी वहीं पर हम लोगों को इस पूरे सराय का हिस्सा दिखाई देगा। और ऐसा बताया जाता है तकरीबन 1556 में जिस समय अकबर सत्ता में आ चुके थे, तो उस समय के बाद से एक सुल्तान हाफिज़ खान, जो कि वर्तमान के अफ़गानिस्तान के हेरात में थे, उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था और इस आम खास बाग को बनाना शुरू किया था। उस समय यहाँ पर पूरे हिस्से में पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे, और एक ऐसा नज़ारा, एक ऐसी ठंडी हवाओं का यहाँ पे माहौल बना करता था। और जैसे जैसे शासनकाल आगे बढ़ता चला गया तो मुग़ल कालीन के अलग अलग शासकों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर अपना योगदान दिया और अपनी चीज़ों का निर्माण किया। और सामने की तरफ आप लोगों को एक महल नुमा आकृति दिखाई दे रही होगी। उससे पहले हम जिक्र करते हैं यहाँ पे इतिहास के और बातों का। जहांगीर ने तकरीबन 1617 के समय में यहाँ पे उस काम को और आगे की तरफ बढ़ाया, और बढ़ाने के साथ साथ में यहाँ पे जो पुराने पेड़ पौधे थे, जो रौनक नहीं दे रहे थे, जो सूख चुके थे, उनको कटवाया और रिपेयर करवाया। और इसके लिए उन्होंने जो काम सौंपा था, वो सारे का सारा जो काम एक व्यक्ति को सौंपा था जिनका नाम था ख्वाजा वैसी। और ख्वाजा वैसी उस समय जहांगीर के शासनकाल में संभाला करते थे सारे का सारा रेवेन्यू का, जो कलेक्शन का काम था, और उनको साथ साथ में इन प्रकार की आर्किटेक्चर का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान था, इसलिए सारा काम उनको सौंपा गया था। बाकी इतिहास की और बातें बाद में करेंगे, थोड़ा मैं आपको उधर ले जाता हूँ, इसके पॉइंट दिखाता हूँ। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे इसका एक विशेष हिस्सा दिखाने जा रहा हूँ, और ये जो हिस्सा है वो शाहजहाँ के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शाहजहाँ अपने पूरे शासनकाल में इस स्थान पर 5 बार आए थे और उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी बनवाई थी। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम अपनी नज़रों को इधर लेकर जाएंगे तो इधर बीच में हमें काफ़ी बड़ा एक सरोवर सा दिखाई दे रहा है, जैसे मानो किसी समय यहाँ पे तालाब के अंदर पानी वगैरह भरा रहता होगा। और अभी आप जिस इमारत को देख रहे हैं इसे कहा जाता है शीश महल, यानी कि शीशे का महल। और इस प्रकार की इमारत आप लोगों को लाल किला, लाहौर का किला और आगरा के किले में भी देखने को मिल जाएगी, जो इनके खास कमरों को दिखाती है। मुग़ल कालीन जो शैली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरफ भी आप लोग देखिए ज़रा,
आप लोगों को वही जो पानी का एक तालाब है वो वाला हिस्सा दिखाई देता है, और इस हिस्से को कहा जाता है चांद का दीदार करने वाला हिस्सा। यहाँ पर सामने की तरफ पानी भरा हुआ होता था और यहाँ शाहजहाँ जब बैठते थे तो इस पॉइंट से वो चांद का दीदार किया करते थे, और इसको चांदनी मंच का नाम दिया गया था। शाहजहाँ के समय में अब्दुल हामिद लाहौरी ने इस बात का जिक्र किया कि शाहजहाँ यहाँ पर 5 बार आए थे और 1628 के समय में 5 दिनों तक वो यहाँ रहे थे। अभी मैं इस हिस्से से एक पुल बनाया हुआ है छोटा सा, इसको क्रॉस करके आगे की तरफ जाता हूँ जहाँ पे शाहजहाँ का आराम गहा और उनका पर्सनल पैलेस हुआ करता था। ये देखिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, ऐसा बताते कि यहाँ से पहले पानी नीचे की तरफ आता था, और ये पूरे का पूरा जो पॉइंट था ये पानी के लिए था। यहाँ पे देखो एक होल भी आप लोगों को दिखाई देगा, मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ, और इसी के साथ में आप लोग इधर अपनी नज़रों को डालिए, यहाँ पे भी आप लोगों को एक होल दिखाई देगा। दोस्तों ये सारे का सारा पानी के लिए इस्तेमाल होता था, इसका जो मेन सेंटर पॉइंट है यहाँ से बनता था। आपको देखो मैं यहाँ का एक फव्वारा दिखाता हूँ, ये एक शाही फव्वारा यहाँ पे लगाया हुआ है, ये पानी इसमें से आता था और ये पानी इस फव्वारे की मदद से ऑटोमेटिकली चांदनी रात में बहुत अच्छा एक दृश्य प्रस्तुत किया करता था, जो आज भी यहाँ पे बचा हुआ है। और सामने की इस इमारत का नाम है नौघरा, क्योंकि इसके अंदर 9 कमरे बने हुए हैं जो कि शाहजहाँ के ख्वाबगाह के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। 1860 के दशक में पटियाला के जो राजा थे उन्होंने इसको अपने पर्सनल रूम के तौर पर इस्तेमाल किया था। देखिए ये वाला जो भाग है आज के समय में थोड़ा सुनसान सा वीरान सा पड़ा हुआ है, रिपेयरिंग करवा दी गई है इसकी। शाहजहाँ बहुत बड़े बादशाह थे तो अकेले नहीं आते होंगे, इसलिए अपनी सेना साथ आते थे, उनकी सेना के जो अधिकारी थे वो यहाँ पे शायद स्टे किया करते होंगे, रुका करते होंगे। लेकिन यदि आपको मैं इन पुरानी यादों के साथ जोड़ने की कोशिश करूँ तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर उन पुरानी यादों को आज भी बचा कर रखा गया है। और अभी आप लोगों को इस कतार के अंदर जितने भी फाउंटेन्स फवारे दिखाई दे रहे हैं ये किसी समय इस आम खास बाग की रौनक को बढ़ाते थे। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सरद खाना के अंदर, इसका अर्थ होता है शांति का महल। लेकिन अंदर आने के बाद में हम लोगों को काफ़ी ठंडापन यहाँ पर महसूस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी वाटर चैनल बनाए गए हैं ताकि अंदर का हिस्सा बिल्कुल यहाँ पर ठंडा रह सके। और अब हम पहुँच चुके हैं इसी के दूसरे हिस्से में जिसका नाम है दौलत खाना एक ख़ास। और दोस्तों ये 2 मंजिला इमारत है, और इस मंजिल को बनवाया था हाफिज़ रखना ने, ऐसा बताते हैं इतिहासकार। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा मत भी है कि इसे बनवाया गया था जहांगीर के समय में, और ये एक प्रकार की भूल भुलैया सी लगती है, वो हम इसके अंदर के कक्षों को देखकर ही पता लगा पाएंगे। ऊपर की आप इसकी कलाकारी देख सकते हैं, इनकी दीवारों पर बने हुए भित्ति चित्र देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं, जो इसकी शानो शौकत को आज एक शाही पना देती है। ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो टूट चुका है, जो कि आपको सामने प्रदर्शित हो रहा होगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए गए हैं, और ये इसका एक दूसरी तरफ का हिस्सा है ये। और इसी इमारत के बिल्कुल पास में ही हम लोगों को शाही हमाम को देखने का भी एक मौका मिलेगा। ये जो शाही हमाम है ये शाहजहाँ के समय में बनवाया गया था, और इस हमाम के अंदर यहाँ के बादशाह उनकी बेग में स्नान करती थी। ये सारे जो कक्ष कमरे बने हुए हैं ये उनके चेंजिंग रूम के लिए इस्तेमाल में आते थे। ऊपर की दीवारों पर जो ये फ्रेस्को आर्ट किया गया है ये उस समय की विशेष वास्तुकला को दिखा रहा है। अंदर के कमरों में भी नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे ये, और आज के समय में देखने पर काफ़ी ज़्यादा लग्जरी दिखाई देता है ये। बस मैं तो यही गुहार करूँगा कि इसको जल्दी से रिपेयर करवा दिया जाए। और ये इसके बाहर का हिस्सा है, देखिए कितने सुंदर एक स्टार के रूप में एक टैंक बनाया गया है। काफ़ी छोटे छोटे और भी यहाँ पे पॉइंट्स बनाए गए हैं, शायद यहाँ पे भी फव्वारे लगे होंगे।
तो हरियाणा और पंजाब का मुगल कालीन सबसे पुराना बाग ये रहा है, से आम खास बाग के नाम से भी हम जानते हैं। और यहाँ वाले हिस्से में भी रिपेयरिंग चल रही है और रिपेयरिंग के साथ में हमें कुछ पुराने अवशेष दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ हम देखते हैं तो पुरानी इमारतें आज भी बची हुई है यहाँ पे। इधर देखिए आप लोग, ये इमारतें बनी हुई हैं पुरानी, और ये इमारतें सीधे तौर पर हमें उस समय का वर्णन पेश करती हैं। इधर देखेंगे इस वाले हिस्से में देखिए इमारतों के कुछ अवशेष। ये इमारतें, तो दोस्तों सबसे प्रमुख बात यहाँ पर यह बनती है कि इन इमारतों को आज फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। हर दिशा में देखने पर यहाँ पे काम चलाया जा रहा है। और यदि मैं आप लोगों को इतिहास की और बातें बताऊं तो 1658 के समय में औरंगजेब शासक बना था, जो बहुत ज़्यादा क्रूर एक शासक था, एक सम्राट बना था। तो उसी के कार्यकाल के दौरान 1704 के समय में पंजाब सरहिंद के इस स्थान पर एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था वजीर खान, और उन्होंने सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी के दो छोटे बच्चे 7 और 9 वर्ष के जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह शहजादों को दीवार में चुनवा दिया था, और 3 दिनों तक ठंड में रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी वृतांत के बाद वाले हिस्से में 1708 के समय में सरहिंद के इसी सीमा पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसे हम एक छप्परचेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो बंदा बहादुर के बीच में और यहाँ के नवाब वजीर खान के बीच में हुआ था, जिसमें बेरहमी के साथ में नवाब को मार दिया गया और उन साहिबजादों की मौत का बदला लिया गया। लेकिन वो युद्ध सिर्फ उन लोगों के बीच में, उन दो गुटों के बीच में नहीं हुआ था, उसका बहुत बड़ा जो नुकसान है इस किले को भी देखना पड़ा, इस सराय को भी देखना पड़ा, इस महल को भी देखना पड़ा, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को तोड़ा गया था, क्योंकि बाबा बंदा बहादुर ये नहीं चाहते थे कि मुग़ल कालीन समय की कोई भी इमारत बचे, और उन्होंने काफ़ी इमारतों को तोड़ दिया था, और आज उसके कुछ अवशेष यहाँ देखने को बनते हैं। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को इसके सराय के बाहर बाहर का चक्कर कटाऊंगा और पीछे वाला हिस्सा भी दिखाऊंगा कि कैसा वो हमें आज दिखता है। अभी हम लोग इस आम खास बाग के बाहर बाहर के हिस्से को देखते हैं। ये छतरी बनी हुई है जिस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ये इसकी पूरी लंबी एक दीवार है। ऐसा बताते हैं कि इस आम खास बाग के इस सराय में काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। ये इसका एक प्रमुख गेट तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटे गेट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। काफ़ी बड़ी सराय है दोस्तों ये, और यहाँ पर भी इसका एक बुर्ज बना हुआ है, और इस बुर्ज के अंदर ऑक्टागनल शेप हम लोगों को दिखाई दे रही है, जिसमें ऊपर वाले हिस्से को आज अच्छे तरीके से बनाया गया है, और जहाँ भी टूट फूट थी उसको ठीक किया जा रहा है। पहरेदार यहाँ पे इसलिए खड़े होते थे ताकि यहाँ के बादशाहों की सुरक्षा की जा सके। और आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग आ चुके हैं आम खास बाग के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ से हमें सराय के पिछली दीवारों को देखने का मौका मिलेगा और उनको समझने का भी मौका मिलेगा। काफ़ी लंबी दीवार इस सराय की बनाई गई है, काफ़ी जगह रिनोवेशन का काम भी यहाँ से देखने को मिलता है, और इसी दीवार के अंदर काफ़ी छोटे छोटे होल भी किए गए हैं, मोर्चे भी हैं इसके अंदर। और यदि हम अपनी नज़रों को सामने की तरफ लेकर जाएंगे तो वहाँ पर हमें एक गेट, एक द्वार दिखाई देगा। ये जो द्वार था, यहाँ पर पहरेदार सैनिक खड़े रहते थे, और अब तो खैर ये बंद कर दिया गया है क्योंकि इसका पिछला हिस्सा है ये, किसी समय जब खुला था तो यहाँ से भी एंट्री हुआ करती थी। और इसी आम खास बाग के इस वाले हिस्से में कुछ खंडहर भाग हम लोगों को दिखाई देंगे, जो आज के समय में रुइंस में तब्दील हो चुके हैं, टूट चुके हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी इतना लंबा अरसा बीतने के साथ साथ में भी हम लोगों को यहाँ पर उस समय की चीज़ों को देखने का समझने का मौका मिला है, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आज दिखाई देता है।